जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। दोस्तों शुरुआत में आपको बता दूं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में एक न्यूज उड़ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा T20 से रिटायरमेंट ले रहे हैं, क्योंकि जब से 2022 का T20 वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल में इंडिया ने हारा था और तब से लेके अब तक विराट कोहली और रोहित शर्मा ने एक भी T20 मैच नहीं जीता है, इसलिए ऐसे ही कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, रोहित शर्मा ने तो सिलेक्शन कम्युनिटी से इस बार तो डिस्कशन भी कर लिया है, वो भी इसी 2023 वर्ल्ड कप से पहले ही। लेकिन अब BCCI का इस पर क्या कहना है वो जान लेते हैं। तो अभी BCCI ने कह दिया है कि उन्होंने वर्ल्ड कप अंदर बहुत अच्छा खेला है, वर्ल्ड 2024 के अंदर T20 वर्ल्ड कप जो आ रहा है, वेल वहां पे उनकी मर्जी है कि अगर वो खेलना चाहे तो खेल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। वेल आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप छोड़ना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों आपको मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि UK07 राइडर की जो पहले की वीडियो है वो सभी प्राइवेट हो गई थी, लेकिन अब वो सभी पब्लिक हो चुकी है, तो आप अब उन वीडियो को देख सकते हो। वेल उस पे एक वीडियो भी बनाई है उनके भाई ने, एक बार वो देख लेते हैं। व्हाट्सअप रोसिना, आई नो मेरे को 2-3 दिन से कमेंट सेक्शन DMs और भैया के उसमें भी आ रहे हैं कि व्लॉग्स कहां गए, व्लॉग्स कहां गए, पुराने व्लॉग्स नहीं दिख रहे यूट्यूब चैनल पे मेरे को ना। टू बी ऑनेस्ट बताते हुए मेरे को पता नहीं था कैसे बताऊंगा, मेरे को बहुत दुख हो रहा है। एक्चुअली सारे व्लॉग वापस आ चुके हैं, थोड़ा ग्लिच चल रहा था यूट्यूब पे, सो उसकी वजह से थोड़ा सा इशू चल रहे थे चैनल पे, बट नाउ द चैनल इज बैक। बट अभी सबसे ज्यादा जरूरत है ब्रो सेना की। एक्चुअली 3-4 दिन जब वीडियोस प्राइवेट हो रखी थी, सो थोड़ा सा जो एंगेजमेंट था चैनल का, थोड़ा भी नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा गिर चुका है। बट ब्रो सेना यहाँ पे यूट्यूब का लिंक है और आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर रहा होगा, जाओ भैया के यूट्यूब चैनल पे कॉमेंट सेक्शन में स्पैम करना शुरू कर दो, वी आर विद यू, बाबू भैया वी लव यू, पुरानी से पुरानी वीडियो पे भी करना, 1-2 साल पुरानी जो आपकी फेवरेट है, बट स्पैमिंग मत रोकना ताकि एंगेजमेंट वापस हम ऊपर ला सके। ऑल्सो गाइज आप ओरी को तो जान गए होगे, अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये लड़का है या लड़की, मेरे को तो पता नहीं चला कि ये है क्या, अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट में बता देना। वैली फेमस हुआ है, वो भी फेमस सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवा खिंचवा कर, और आप सभी को तो पता लग गया होगा कि इसकी एंट्री हो चुकी है वाइल्ड कार्ड के तौर पे, वो भी बिग बॉस शो के अंदर, क्या कहें अब इसको भी झेलना पड़ेगा। दोस्तों अब अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। वेल आपने कैरी मिनाटी की नई वीडियो तो देख ली होगी, जिसके अंदर कैरी मिनाटी ने अब की बार मोटिवेशनल स्पीकर को छोड़ा ही नहीं, साथ ही साथ अंकित बैयापुरिया को भी नहीं छोड़ा, अपने अंदाज में उनकी पूरी चीज को कॉपी करके कैसे बात करते हैं, बोलते हैं, बैठने का सेंस, बालों का हेयर स्टाइल, सारी चीज कॉपी करके एकदम बढ़िया वीडियो बना रखी है। और उस वीडियो को डले एक दिन पूरा हो चुका है और एक दिन के अंदर उस वीडियो पे अब तक 14 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों अगली जो अपडेट है वो सचिन और सीमा के ऊपर है। वेल आप इनको तो वैसे जानते ही होंगे क्योंकि इनके मीम्स भी काफी ज्यादा वायरल होते हैं, खासकर उस औरत के, और इसमें तो एक औरत की मीम्स काफी ज्यादा वायरल होती है जिसके अंदर वो बोलती है इसको, लप्पू सा सचिन झिंगू सा है, खाना उस पे आवे ना, बोलना उस पे आवे ना, सही कह रहा हूं ना मैं। लेकिन अब बात क्या है कि हिंदुस्तानी भाव ने उनकी एक वीडियो पे रिएक्ट किया है, तो आप एक बार देखिए। भगा रहे मुझे काम बता के, तुझे कैसे भगा सकता हूँ, तुझे तो पाकिस्तान से ही भगा लाया। कैसा हंसता है तू, हाँ ऐसे ही तू जब पैदा हो गया था ना तेरा बाप हंसा था, माँ का क्या। दोस्तों अगली जो वीडियो है उसका अभी तक पता तो नहीं चल पाया कि ये वीडियो कहाँ की है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों को अभी के टाइम में इतनी जल्दी है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये जो वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ इसके अंदर एक औरत को इतनी जल्दी है, वो भी ट्रेन में चढ़ने की, कि वो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही है, इन्हें ये परवाह नहीं है कि आगे कहीं इनके साथ दुर्घटना ही ना हो जाए, लेकिन चढ़ना है तो चढ़ना है चाहे कुछ भी हो। वेल आप एक बार ये वीडियो देखिए। इनको लाठी चार्ज करो, लाठी चार्ज ऐसे कहा सर, लाठी चार्ज करो इनको हराम के पिल्लों को। अभी थोड़ी देर बाद एक ट्रेन और आ रही है यहाँ पे, एक ट्रेन और आ रही है थोड़ी देर बाद, साले कहाँ कहाँ से चले आते हैं। एक दिन अखंड भारत बनेगा, इस भाई को सारा पता है क्योंकि ये तो भविष्य देख के आ चुका है। अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत में कितने देश हैं? एक मिनट भाई, अखंड भारत में कितने देश हैं? अखंड भारत में कितने देश हैं? कितने आप बताइए। वो तो बता देगा, लेकिन तू तो बता दे क्योंकि तू तो भविष्य से आया है, बताना है भाई एक बार, हमें जानना है। हमको नहीं पता, आप बता रहे हो ना एक दिन अखंड भारत बनेगा। हाँ अखंड भारत बनेगा। तो कितने देश मतलब मिलके बनेगा अखंड भारत? हैं? अखंड भारत मतलब क्या है? विश्व में पंचम लड़ाएगा भारत का। हाँ हाँ वो तो हम जान गए कि परचम लहराएगा, लेकिन ज्ञानी पुरुष अखंड भारत के बारे में बताओ, जो तुमने मुहिम छेड़ी है उसके बारे में तो बताओ। विश्व में दंगा बज रहा है, अभी तो बज रहा है, लेकिन अखंड भारत मतलब क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं। अखंड भारत मतलब क्या? अखंड भारत चाचा एक भाई 146 देश भाई साहब, तुम ना बोलो 146 देश
140 राज्य में, पहले 140 देश, अब 140 राज्य। कहना क्या चाह रहा है भाई तू? अभी लहरा रहा है ठीक, और क्या कहते हैं? ये क्या है? अरे रुक जाओ रुक जाओ, बोलने दो भाई, बोलने दो, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बोलने दो चाचा, एक मिनट बात। मतलब देश में कितने अंधभक्त भरे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो मुंह से शब्द क्या निकाल रहे हैं, क्या बोल क्या रहे हैं, बस कुछ तो बोलना है कि टीवी पे आ जाए, कुछ तो बोलना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में। दोस्तों पहली चीज तो मुझे को ये समझ में नहीं आई कि इस बंदे ने कौन से भगवान का रूप धारण कर रखा है। चलो ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है कि ऐसे कौन से भगवान है जो अपनी जांग पे बम रख के फोड़ते हैं। तीसरी चीज, कौन से ऐसे भगवान है जो अपनी जांग पे रख के बम फोड़ने पर ही खुश होते हैं कि हाँ तू जब तक बम नहीं फोड़ेगा तब तक मैं खुश नहीं होऊंगा, तब तक तेरी प्रार्थना व्यर्थ है। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि ये क्या चीज है और इसके अंदर कौन से भगवान को खुश किया जा रहा है ऐसे। दोस्तों अगली जो वीडियो है वो मुंबई की है, जहाँ पे कुछ फॉरेनर लोग सुबह के टाइम में पानी के किनारे पे आ जाते हैं ऐसे ही वीडियो शूट करने के लिए। लेकिन वो उस वीडियो के अंदर क्या रिकॉर्ड कर देते हैं, जिसमें एक इको के अंदर से 4-5 लोग कट्टे भर भर के कूड़ा लेके आते हैं और वो नदी में ऐसी बहा देते हैं। आप एक बार ये वीडियो देखिए। Oh, junk, trash. It's in trash. It's in trash in there. Trash? Yeah. Jesus Christ, look at that. Right in front of my fucking building. Well, देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं लोगों का है। चले बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों अगली जो वीडियो है उसको शुरुआत में देखने में खुशी तो बहुत हुई, लेकिन जब आखिरी तक देखा तो थोड़ा दुख हुआ। मतलब मैं समझ नहीं पाया इस वीडियो को देखते देखते। आप पहले एक बार ये वीडियो देखिए। चलो खुशी की बात तो ये है कि इसमें किसी भी इंसान को कोई चोट नहीं आई, किसी को कहीं पे लगी नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे कैसे लोग हैं यार। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों अगला जो वीडियो है उसके अंदर क्या है, एक माता की झांकी निकाली जा रही है और उसमें जिस माता की मूर्ति है वही माता किसी औरत के अंदर आ रखी है और वो औरत स्टेज पे चढ़ के अपनी ही मूर्ति पे थप्पड़ मारती है, लात तक मारती है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, आप एक बार ये वीडियो देखिए। मतलब मैं ये बात समझ नहीं पा रहा कि कोई माता कोई भगवान अपनी ही मूर्ति पे अपनी ही फोटो पे लात थप्पड़ मारेगा। खैर मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आई, अगर आपको आई हो तो कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों अगली जो वीडियो है वो सच्ची देखने के बाद मेरी हंसी नहीं रुक रही, मतलब क्या कहो। दरअसल लोगों के अंदर इतना अंधविश्वास है कि वो किसी भी चीज को भगवान मान लेते हैं। आप एक बार ये वीडियो देखिए।
हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? Oh my God. मतलब इस पर क्या कहूँ यार, वेल मेरे पास तो कोई शब्द नहीं। अगर आप कुछ कहना चाह रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों ये जो वीडियो है ये बाहर का है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, लोग पन्नी कट्टे भर भर के आईफोन, आईपैड, नाइक के शूज, ओरिजिनल डब्बे के डब्बे, कपड़े सभी को भर भर के दुकानों में से ले लेके भागते जा रहे हैं। वेल आप ये वीडियो देखिए। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता तो मजे ही आ जाते सच्ची में। तो चलिए लेते हैं अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जय श्री राम।